तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहा हूं। तो आज दोस्तों जो अपडेट है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ज्वाइनिंग कराते समय मिले फिंगरप्रिंट मिसमैच। जी दोस्तों, ये गड़बड़ी हुई है, अब इनका क्या होगा आई बड़ी खबर। जी दोस्तों, जो फिंगरप्रिंट मिसमैच हुए हैं उनको लेकर दोस्तों आज जो खबर आई है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पर 84 अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट मिसमैच, मैन्युअली होगा मिलान। हरियाणा पुलिस भर्ती में 5500 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में 84 युवाओं के फिंगरप्रिंट व फोटो आदि मैच नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। अब इनका पूरा डाटा मैन्युअली परखा जा रहा है। इन युवाओं के फॉर्म के फोटो, फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी के फोटो समेत अन्य आईडी का मिलान किया जाएगा। यदि फिर भी इनकी आईडी और फोटो मिलान नहीं हुआ तो 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जाँच करेगी। युवा अपनी बात इस कमेटी के सामने रख सकेंगे। यह कमेटी पूछेगी कि आपकी आईडी व अन्य पहचान मैच क्यों नहीं हो पा रही है। यदि कमेटी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जी दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है ये कि जो ये 84 अभ्यर्थी हैं, अगर इनके पास कुछ जवाब, ठोस जवाब नहीं हुआ तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। 84 की मैं बात कर रहा हूँ, और जो वेटिंग वाले हैं शायद उनको शामिल किया जाएगा। ऐसे में वेटिंग वाले युवाओं को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर देख लीजिए आप। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन गोपाल सिंह गदरी का कहना है कि अब तक 3000 से अधिक युवा ज्वाइन कर चुके हैं, 2000 से अधिक युवाओं की ज्वाइनिंग शनिवार को हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज भी ज्वाइनिंग होगी 2000 की, मैं आपको बता देता हूँ। जिन युवाओं के फिंगरप्रिंट या अन्य पहचान पत्र नहीं मिले उनको होल्ड पर रखा गया। अगर दोस्तों उनके फिर भी मैच नहीं हुए, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मिली, अगर कमेटी के सामने उनके जवाब ठोस नहीं मिले तो जो ये आपके वेटिंग वाले हैं उनका नंबर आ जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। तो 84 तो यहाँ पर पाए गए हैं, आगे और भी मिलेंगे। अगर आज 2000 भर्ती हुए होंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखते हैं क्या खबर आती है आज भी, लेकिन फिलहाल तो ये अपडेट है कि जो 84 अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और फोटो भी मैच नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर फोटो भी मैच नहीं हो पा रहे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो वेटिंग वाले हैं वो अपनी तैयारी रखें और अपने जो कागजात हैं पूछ के उनसे, और सभी अपने तैयार रखें। जो आपकी आईडी है उनकी लगभग 3 फोटो स्टेट करवा लें। 84 अभ्यर्थियों का यहाँ पर नंबर लगने वाला है जो वेटिंग में है। तो यह बड़ी अपडेट है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी नॉलेज में है कि कोई वेटिंग वाला इसका नंबर लग सकता है तो उसके बाद ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।